तो 14-19 ये जो माहौल था वो स्थिति रही नहीं मैंने। अब जो वादे करते करते निभाए नहीं, काला धन लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लोकपाल लेके आएंगे, क्या क्या नहीं कहा गया, वो तमाम वादे रह गए हैं। तो उसके बाद में भी जो कुछ भी इनके वादे थे, किसानों का आंदोलन चला तो समय पर उसको ढंग से टैकल नहीं किया, 600-700 लोग मारे गए, वो पूरे कंट्री में इश्यू बना हो। जो लड़कियां बैठी हुई थी रेस्लर, वो भी अपना इश्यू है। जो घसीट के मर गया था, 3-4 किसान मर गए थे, वो भी इश्यू है। तो इतने इश्यू इनके सामने आ चुके हैं, अब वो क्रेडिबिलिटी वाली बात सही नहीं है बीजेपी की। और मुझे लगता है कब ये मोदी के नाम से कब तक राजनीति करेंगे, क्योंकि सबको गायब कर दिया। जेपी नड्डा कुछ नहीं है, मंत्रिमंडल के लोग कुछ मायने रखते नहीं है, और मेंबर पार्लियामेंट को पूछ नहीं रहा है। तो जो सत्ता के विकेंद्रीकरण होता है लोकतंत्र में, जिससे कि आवाज उठा सकता मेंबर पार्लियामेंट अपने क्षेत्र की, फीडबैक लेके काम हो सकता दिल्ली के अंदर विभागों के अंदर, वो सब कॉलेप्स हो गया है, कॉलेप्स हो गया। जिस स्कीम में चलाई गई जोड़नी को सब कामयाब हुई हो, उससे अच्छी स्कीम तो राज्य ने चलाई है, जैसे राजस्थान हम लोगों ने चलाई थी स्कीम एक के बाद एक, पर असत्य बोल करके चुनाव जीत गए लोग झूठे आरोप लगा करके। तो मैं समझता हूँ इस बार तो माहौल बदला हुआ लगता है, और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं ऐसा लगता है।